ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमारे बच्चों के ऊपर आ रही है और ये रिश्ता ना लोग चाहते हैं कि टूट जाए ये रिश्ता, हम तीनों जो है अलग हो जाएं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद ना मैं बच्चों को लेकर अलग हो जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं सहन कर सकती यार, बहुत सहन कर लिया। उन लोगों को तो कुछ पता नहीं चल रहा अंदर बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो अंदर अपने गेम में खेल रहे हैं, उनको टेंशन नहीं है, पर मुझे दिन रात टेंशन हो रही है। घर संभालो, बच्चे संभालो, लोगों को संभालो, ट्रॉलिंग संभालो, लोगों की गालियां सुनो, बच्चों के ऊपर बद्दुआ सुनो, तो भाई मैं इतना नहीं सुन सकती। मैंने सोच लिया बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करके, हर चीज कैलकुलेट करके कि आने वाले समय में बच्चों के साथ क्या होगा, बच्चों को लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, किस तरह कैसे लोग बच्चों के साथ बिहेव करेंगे। तो और ये फाइनल डिसीजन मैं अकेली खुद नहीं ले सकती हूँ, पर मैंने ये सोचा है कि बैठ के बात करके ना ये जो एक फैमिली बनी हुई है टूटेगी और ये एक फैमिली से दो फैमिली बनेगी, क्योंकि लोग नहीं पसंद कर रहे।